गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर सूरज सर। स्टूडेंट्स, आज स्टैंडर्ड 7 का जो कि नेक्स्ट साइंस का जो नेक्स्ट पेज है उसको हम देखेंगे, सेकंड चैप्टर का। कार्निवर्स, दीज आर फ्लेस ईटिंग एनिमल्स, एग्जांपल लायन, टाइगर, फॉक्स, पोलर बियर, द फीड्स ऑन सील्स एंड फिश, कैट, डॉग, ऑल एंड किंगफिशर। स्टूडेंट्स, जो कार्निवोरस एनिमल होते हैं जो कि मांस वगैरह खाते हैं, है ना, जैसे कि शेर, बाघ, लोमड़ी, पोलर बियर, ये सब हो गए हैं, कैट, डॉग, ऑल, किंगफिशर, ये सब भी जो है मछलियों को खाते हैं मांस। अब है कि कार्निवोरस में भी चार तरह के जो है इसमें टाइप्स होते हैं। इंसेक्टिवोरस को अगर हम देखते हैं तो इंसेक्टिवोरस आर इंसेक्ट ईटर्स, एग्जांपल टोड्स, फ्रॉग्स, लिजर्ड्स, बर्ड एंड स्पाइनी एंड ईटर्स। इंसेक्टिवोरस वैसे एनिमल को कहेंगे जो कि इंसेक्ट को खाते हैं, जैसे टोड्स, फ्रॉग्स, लिजर्ड, बर्ड्स, स्पाइनी एंड ईटर्स एक्सेट्रा। उसके बाद है पिसीवोरस आर फिश ईटर्स, एग्जांपल किंगफिशर, ओटर, ब्राउन बियर। पिसीवोरस जो होते हैं, जो पिसी का मतलब होता है मछली, तो जो मछली खाते हैं जो जानवर, उन्हें हम लोग पिसीवोरस कहते हैं, जैसे किंगफिशर हो गए, ओटर हो गए, ब्राउन बियर हो गए। उसके बाद आते हैं सनग्विनवर्स आर दोज एनिमल विच फीड ऑन ब्लड ऑफ वर्टिब्रेट्स, दैट इज लीच, फीमेल मस्क्यूटो, एनोफिल्स, विच स्प्रेड मलेरिया। जो सनग्विनवर्स होते हैं वे ऐसे एनिमल होते हैं जो दूसरों के शरीर पर निर्भर होकर उनका ब्लड को अपने भोजन के रूप में प्राप्त करते हैं, जैसे कि लीच हो गए, फीमेल मस्क्यूटो जिनका नाम एनोफिल्स है वो हो गए, और एनोफिल्स से हमारा मलेरिया बीमारी भी होता है। अब है स्केवेंजर्स, स्केवेंजर्स ईट करकेरीज ऑफ एनिमल, दैट इज वल्चर्स, दे हैव अ रोबस्ट डाइजेस्टिव सिस्टम अलोइंग देम टू डाइजेस्ट डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया फाउंड इन रोटिंग मीट कैरियन ऑफ कैरकेसिस। स्केवेंजर्स वैसे जानवर को कहते हैं जो कि सड़े गले हुए चीज़ों को अपना भोजन के रूप में प्राप्त करते हैं, जैसे कि वल्चर हो गए, ये सब अपना भोजन को जो है सारा गला हुआ चीज़ उससे प्राप्त करता है, और उसी को अपना जो उसका मीट होता है उससे अपना वो भोजन को प्राप्त करता है उस रूप में। तो हम लोग नेक्स्ट देखेंगे ओमनीवोर्स, दीज आर द एनिमल्स विच ईट बोथ प्लांट्स एंड अदर एनिमल्स, डैट इज कॉकरोच, रैट, बियर्स, क्रोज, ह्यूमंस। ओमनीवोर्स जो होते हैं वैसे एनिमल को कहते हैं जो प्लांट और मीट पार्ट दोनों को खाते हैं, जैसे कॉकरोच हो गए, रैट हो गए, बियर्स, क्राउज, ह्यूमंस, ये सब। ह्यूमंस ईट प्लांट फूड सच एज अ ग्रेन्स, पल्सेस, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। ह्यूमन जो है वो पेड़ पौधे को भी खाते हैं, जैसे कि आप अनाज हो गए, दाल हो गए, फल है, सब्जियां हैं, एज वेल एज मीट एंड एग्स ऑफ एनिमल। ये लोग सब जो प्लांट पार्ट होते हैं उसको भी खाते हैं, और जानवर के जो मीट अंडे होते हैं उनको भी खाते हैं। नेक्स्ट है हमारा हीटोट्रॉप्स का, ये टाइप्स है डेट्रीवोर्स, दे फीड ऑन डेड एंड डिकिंग ऑर्गेनिक फूड, डैट इज अर्थ बॉम्ब्स, फूड इज इंस्टेड एंड डाइजेस्टेड इन साइड द बॉडी ऑफ द एनिमल। डेट्रीवोर्स वैसे जानवर को कहते हैं जो कि सड़े गले हुए चीज़ों पे रहकर उसी से अपना फूड प्राप्त करता है, खास करके ऑर्गेनिक फॉर्म में, जैसे कि एग्जाम्पल अर्थ बॉम्ब का देख लीजिए, ये अपना फूड को जो है प्राप्त करके और उसको अंदर में ही डाइजेस्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, अभी आपने यहाँ तक देखा, तो बच्चों तो हम देखेंगे तो डिफरेंट स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ होलोजोइक न्यूट्रिशन, मतलब होलोजोइक न्यूट्रिशन को प्राप्त करने के अलग अलग जो स्टेप होते हैं उनको हम देखेंगे। देयर आर 5 मेन प्रोसेसेस इन्वॉल्व इन द कंजप्शन ऑफ फूड बाय एनिमल्स, मतलब कोई भी जानवर जो अपना भोजन को प्राप्त करते हैं वो 5 तरह का प्रोसेस होता है ना, जैसे दीज आर इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपने देखा कि जो हम लोग फूड को गेन करते हैं, फूड को प्राप्त करते हैं, वो 5 तरीके से हम लोग भोजन को लेते हैं। इंजेशन मतलब जो हम लोग भोजन को क्या किए, सिर्फ अपने मुंह तक रखे, ठीक है, जो हमारे मुंह में गया। डाइजेशन जो मतलब भोजन पच रहा है। एब्जॉर्प्शन जहाँ से न्यूट्रिएंट्स जो है वो धीरे धीरे एब्जॉर्ब हो रही है। एसिमिलेशन
लार्ज इंटेस्टाइन से वो न्यूट्रिएंट्स जो है हमारे सेल तक पहुंचता है, और लास्ट में जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो इजेशन प्रोसेस से बाहर निकलता है। पेरिस्टालसिस प्रॉपल्स फूड अलोंग द एलिमेंट्री कैनल ऑफ हायर एनिमल्स, जो जिनका शरीर बड़े बड़े जानवरों का शरीर जो बड़ा होता है उनके भोजन जो है एलिमेंट्री कैनल में जाने के समय जो भोजन एलिमेंट्री कैनल से जाता है तो भोजन जो है पेरिस्टालिस मूवमेंट करते हैं। पेरिस्टालिस मूवमेंट का मतलब होता है कि वो कॉन्स्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन प्रोसेस के माध्यम से भोजन नीचे की तरफ जाता है। ठीक है बच्चों, आई होप आपको समझ में आई होगी। नेक्स्ट हम देखते हैं न्यूट्रिशन इन अमीबा। अमीबा इज यूनिसेलुलर एनिमल। अमीबा जो है वो यूनिसेलुलर और एनिमल है, मतलब एक सेल से बना हुआ है। यूनिसेलुलर का मतलब होता है जो सिंगल सेल से बना हो। अमीबा इट्स टीनी माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स, बैक्टीरिया, फाइटोप्लैंक्टन, ग्रीन प्लांट्स एंड एनिमल जो प्लैंक्टन एज फूड विच फ्लोट और मूव इन वाटर इन विच इट लिव्स। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन अमीबा इज होलोजोइक। अमीबा जो अपना भोजन को छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक यानी छोटे से प्लांट या छोटे से ऑर्गेनिज्म को अपने भोजन के रूप में उसको प्राप्त करते हैं। ये वाटर पे रहते हैं, इनका जीवन जो है लगभग वाटर पे ही मौजूद होता है और वाटर में ये फ्लोट करते रहते हैं। आप पिक्चर के अनुसार देख सकते हो कि कैसे ये अपना भोजन को प्राप्त करता है। अमीबा अपना भोजन जो है या तो लिक्विड या फिर सॉलिड फॉर्म में खाता है, इसलिए इस तरह के न्यूट्रिशन को हम लोग होलोजोइक कहते हैं। ठीक है बच्चों, द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग फूड बाय अमीबा इज कॉल्ड फैगोसाइटोसिस। मतलब अमीबा जो अपना भोजन प्राप्त करता है जिस प्रोसेस से, उसको हम लोग फैगोसाइटोसिस कहते हैं यानी सेल्फ फीडिंग कहते हैं। द वेरियस स्टेप्स इन्वॉल्व इन द न्यूट्रिशन ऑफ अमीबा आर इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन। अमीबा में भी सेम प्रोसेस होता है न्यूट्रिशन प्राप्त करने का, है ना, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन। क्लियर है बच्चों, ऑल द प्रोसेसेस ऑफ होलोजोइक न्यूट्रिशन आर परफॉर्म बाय द सिंगल सेल ऑफ अमीबा। लेट्स नो हाउ न्यूट्रिशन अमीबा इज परफॉर्म। तो हम देखेंगे कि अमीबा जो है यूनिसेलुलर है, मतलब एक सेल से बना हुआ है, तो उनके शरीर में जो भी न्यूट्रिशन प्राप्त करने का जो ये प्रोसेस होता है वो सिंगल सेल के द्वारा ही होता है। तो कैसे होता है हम देखेंगे। पहला है इंजेशन। अमीबा हैज नो माउथ और नो एसेफिक ऑर्गन फॉर द इंजेशन ऑफ फूड, इनटेक ऑफ फूड। मतलब अमीबा जो है इसके पास कोई अपना एक स्पेशल मुंह या उस तरह का ऑर्गन नहीं होता है जो भोजन को अपने शरीर के अंदर कर सके। अमीबा इंजेस्ट फूड बाय यूजिंग इट्स सिरोपोडिया। व्हेन अ फूड पार्टिकल कम्स नियर अमीबा इट इंजेस्ट दिस फूड पार्टिकल्स बाय परफॉर्मिंग सिरोपोडिया अराउंड इट। अमीबा जो है अपना एक फॉल्स फिट उसको कह सकते हैं, सिरोपोडिया जो जाल की तरह होता है, जहाँ पे कोई भोजन मौजूद होता है उस जाल को धीरे धीरे वो फैलाता है और फिर उसको वो क्या करता है अपनी तरफ उसको खींचता है। द फूड इज इंगल्फ्ड अलोंग विद अ लिटिल सराउंडिंग वाटर टू फॉर्म अ फूड वैक्यूल इनसाइड द अमीबा। धीरे धीरे वो फूड जो है जैसे ही वो कैप्चर करता है तो वो धीरे धीरे अमीबा के वैक्यूल में यानी कि जो ऑर्गन होते हैं जिसको वो एब्जॉर्ब करेगा उसमें वो भोजन चला जाता है। द फूड वैक्यूल इज बाउंडेड बाई अ मेम्ब्रेन। फूड वैक्यूल जो होता है जैसे कि आप पिक्चर में देख पाओगे, है ना, ये पिक्चर में आप देख रहे हो यहाँ पे फूड वैक्यूल, तो वहाँ वो पूरी तरह से मेम्ब्रेन से बाउंडेड होते हैं, है ना। द फूड सच अ फूड वैक्यूल ऑफ अमीबा कैन बी रिगार्डेड एज अ टेम्पररी स्टोमक। और इस तरह के फूड वैक्यूल को हम लोग टेम्पररी स्टोमक कहेंगे, मतलब कि अस्थाई जो पेट होता है वो, है ना, रियल स्टोमक नहीं है, वो टेम्पररी स्टोमक है। नेक्स्ट प्रोसेस होता है डाइजेशन। इन अमीबा डाइजेशन इज इंटरसेलुलर, दैट इज इट्स फूड इज डाइजेस्टेड इन द फूड वैक्यूल बाय डाइजेस्टिव एंजाइम। अमीबा में जो भोजन डाइजेशन होता है वो सेलों के अंदर तक होता है। फूड वैक्यूल जो होते हैं उसमें से कुछ एंजाइम निकलते हैं जो उसे डाइजेस्ट करता है। द एंजाइम्स एंटर द फूड वैक्यूल विद अ फ्यूजन ऑफ लाइसोसोम एंड फूड वैक्यूल। एंजाइम जो होता है वो भोजन, मतलब जो फूड वैक्यूल होता है उससे निकलकर लाइसोसोम और फूड वैक्यूल के चारों तरफ फ्यूजन करके उस प्रोसेस से
भोजन को क्या करता है, डाइजेस्ट करने में मदद करता है। इनसाइड द फूड वैक्यूल ऑफ अमीबा द फूड इज ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉल एंड सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स बाय केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन के दौरान, उस समय जो लाइसोसोम के दौरान होता है और एंजाइम की मदद से, वह फूड जो भी वो लिया था वो छोटे छोटे टुकड़े में मॉलिक्यूल में टूट जाता है, ठीक है। अब है एब्जॉर्प्शन, द डाइजेस्टेड फूड प्रेजेंट इन द फूड वैक्यूल ऑफ अमीबा इज एब्जॉर्ब डायरेक्टली इनटू द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल बाय डिफ्यूजन। अमीबा में जो डाइजेस्टेड फूड होते हैं, वैक्यूल में मौजूद होते हैं, साइटोप्लाज्म के में डायरेक्ट डिफ्यूजन के प्रोसेस से वो एब्जॉर्ब हो जाता है। डिफ्यूजन प्रोसेस से एब्जॉर्ब होता है। डिफ्यूजन प्रोसेस जानते हो, मतलब डिफ्यूजन जो होता है किसी भी सॉलिड या लिक्विड का जो पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल्स होते हैं वो किसी एरिया में, यानी हायर कंसंट्रेशन एरिया से लोअर कंसंट्रेशन एरिया में पहुंचता है, इस प्रोसेस को हम लोग डिफ्यूजन बोलते हैं। सिंस अमीबा कंजिस्ट ऑफ ओनली वन स्मॉल सेल, इट डज नॉट रिक्वायर ब्लड और सर्कुलेटरी सिस्टम टू कैरी द फूड, ठीक है। तो एब्जॉर्प्शन से इस तरह से ये पूरा जो है सर्कुलेटरी सिस्टम में उनका वो नहीं होता है, उनके अमीबा को कोई ब्लड वगैरह नहीं होता है। तो डायरेक्ट जो फूड न्यूट्रिएंट्स है वो डायरेक्ट क्या होता है, सेल तक पहुंच जाता है इनका, क्योंकि कोई सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं है, कोई नर्व्स वेंस नहीं है, तो ऐसा होता है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो कि ये ह्यूमन का भी डाइजेस्टिव सिस्टम है। तो स्टूडेंट्स, अमीबा में आज एब्जॉर्प्शन तक ही, नेक्स्ट वीडियो में इसे आगे मैं बताऊँगा। तक लिए धन्यवाद।